JDS किचन चैनल में आप सभी स्नेहीजनों का हार्दिक स्वागत है। देवियों और सज्जनों, आज हम बनाएंगे केरला कॉर्न सैंडविच या मसाला टोस्ट सैंडविच। ये कॉर्न सैंडविच स्पाइसी है, चीजी है, क्रिस्पी है, क्रंची है, बटरी है और गजब की डिलीशियस है। इसको खाने के बाद आपका पेट तो भर जाएगा मगर मन नहीं भरेगा। और एक खास बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई रेसिपी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी रेसिपी को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाते हैं केरला कॉर्न सैंडविच। सबसे पहले ये दो आलू को हमने स्टीम कुक करके मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, स्वादानुसार नमक, सॉल्ट टू टेस्ट और 1/2 टीस्पून हरी चटनी को डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। और ये 2 टमाटर लेंगे, 1 शिमला मिर्च, 2 प्याज और 1 स्वीट कॉर्न लेंगे। इस मकाई को हम स्क्रैप करके उसके दाने निकाल लेंगे। देखिए मकाई के दाने हमने निकाल दिए हैं। अब 2 प्याज को रफली चॉप कर लिया है, 1 कैप्सिकम को और 2 लाल टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया है। कलर देखिए दोस्तों, लाल, हरा, पीला और सफ़ेद। अब एक तड़का पैन में बटर लेंगे, करीब 1.5 टेबल स्पून बटर डालेंगे। ये सॉल्टेड बटर है। अब इस बटर में डालेंगे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम और उसके साथ साथ स्वीट कॉर्न को डालकर हल्का सा सोते कर लेंगे। कैप्सिकम को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ये चाट मसाला डालेंगे। दोस्तों, इस चाट मसाले की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जरूर ट्राई करें। मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक बाउल में बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और ये उबले हुए आलू जिसको हमने मैश करके हरी चटनी और गरम मसाला डालकर बनाया था, और आखिर में ये स्वीट कॉर्न और ग्रीन कैप्सिकम, थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे और डालेंगे चाट मसाला। आपकी किसी भी सैंडविच का टेस्ट इस चाट मसाले की वजह से बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालकर फिर से मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा कलरफुल, टेस्टी और डिलीशियस स्टफिंग रेडी है, उसे टेस्ट करना ना भूलें। चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे, मैं 2 चीज़ क्यूब्स ग्रेट करके डालूँगा और अच्छी तरह से मिला लूँगा, मिक्स कर लूँगा। फाइनली हमारा चीज़ी, कलरफुल, टेस्टी और डिलीशियस स्टफिंग रेडी है। इतने स्टफिंग से 5 टोस्ट सैंडविच बनेगी। ये 4 ब्रेड स्लाइस है, उसके ऊपर हम बटर स्प्रेड कर लेंगे। अच्छी तरह से बटर को लगाने के बाद ये स्पाइसी चटनी लगाएंगे। दोस्तों, ये चटनी हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और नमक डालकर बनाई है। ये मसालों का डिलीशियस स्टफिंग रखकर उसके ऊपर चटनी वाली स्लाइस से कवर करेंगे। इस सैंडविच टोस्टर को गैस के ऊपर रखेंगे और उसमें बटर डालेंगे। बटर को डालकर सैंडविच रखेंगे, टोस्टर को बंद करेंगे और ब्राउन कलर आने तक सैंडविच को रोस्ट करेंगे। टोस्टर को खोलकर दूसरी तरफ बटर लगाकर बंद करेंगे और बारी बारी से पलट पलट कर अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक टोस्ट कर लेंगे। करीब 3-4 मिनट लगेंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए हमारी सैंडविच अच्छी तरह से टोस्ट हो चुकी है, क्रिस्पी भी है और कलर भी अच्छा है। अब दूसरी ओर से देख लेते हैं, हमारी टोस्ट सैंडविच बिल्कुल तैयार है।
इसी तरह से हम सारी सैंडविच को टोस्ट कर लेंगे, मनचाहे शेप में काटेंगे। टोमेटो सॉस, ग्रीन चटनी, नायलॉन सेव से गार्निश करेंगे और चीज़ को ग्रेट करके डालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देवियों और सज्जनों, आप इस चीज़ी, क्रंची, क्रिस्पी, स्पाइसी और डिलीशियस केरला कॉर्न सैंडविच को ज़रूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे। धन्यवाद। नमस्कार।